Jim. Yes, Karasha. वेलकम डियर रॉकर्स, द एडवेंचर ऑफ जुरासिक पेट मूवी में आपका स्वागत है। मूवी की शुरुआत में एक बुजुर्ग फिशिंग कर रहा होता है कि अचानक तालाब से अजीब आवाजें आती है। वो घबराकर जंगल के रास्ते से भागने लगता है, लेकिन वहाँ उसको एक बड़ा अंडा दिखता है। वो जैसे ही उस अंडे को उठाकर मुड़ता है तो क्लोजअप में एक बड़ा डायनासोर दिखता है। मेरे अंडे का ऑमलेट बनाना चाहता है क्या? इस एक्सप्रेशन के साथ डायनासोर उसे घूरता है और यहाँ पर टाइटल डालकर मूवी शुरू होती है। 5 साल बाद जंगल के बीच एक लैब को दिखाते हैं जहाँ एक मगरमच्छ पर रिसर्च की जाती है। तभी उनका हेड साइंटिस्ट रिचर्ड अंदर आता है। वो मगरमच्छ को एक इंजेक्शन लगाता है जिसमें टेरेक्स डायनासोर का डीएनए होता है। फिर उसे रेडिएशन दिया जाता है जिससे वो बड़ा होने लगता है और बहुत ही वायलेंट बिहेव करता है। तभी एक साइंटिस्ट उसे बेहोशी की दवा दे देती है। रिचर्ड कहता है कि हमारा रिसर्च जल्दी कामयाब होने वाला है, लेकिन तभी मगरमच्छ आधी बेहोशी में भी रिचर्ड को काटने की कोशिश करता है। दूसरा इंजेक्शन लगाने के बाद ही वो शांत होता है। फिर रिचर्ड अपने जूनियर से कहता है कि इसके शरीर से सारे पार्ट से सैंपल निकालकर इस मगरमच्छ को फेंक दो। अगले सीन में एक डायनासोर म्यूजियम में टीचर स्टूडेंट्स को डायनासोर के बारे में एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये लड़का टीचरों की बात पर ध्यान नहीं देता और मजे से गमी बियर खा रहा होता है। यही है हमारा हीरो क्रिस। ये क्लास में भले ही ध्यान न देता हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ बड़े बड़े डायनासोर स्केलेटन को देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। तभी उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स फ्रेडी और अना उसे इस डायनासोर की दुनिया से जगाकर टीचर के पास लेके जाते हैं। फिर वे स्कूल वापस लौटते हैं। अब दूसरी ओर रिचर्ड परेशान है कि इस मगरमच्छ के शरीर से लिया हुआ सैंपल रिसर्च के लिए काफी नहीं है, हमें कुछ और करना चाहिए, उसे और ज्यादा सैंपल की जरूरत होती है। अब स्कूल से लौटते वक्त क्रिस वर्ड ऑफ वंडर नाम के स्टोर में जाता है। तभी अचानक टेबल के पीछे से एक बुजुर्ग आकर कहता है, सुन बच्चे, खिलौने की दुकान उस तरफ है। दादाजी, क्या मैं आपको बच्चा दिखता हूँ? मुझे खिलौने नहीं चाहिए। स्टोर का नाम वर्ड ऑफ वंडर्स रखा है तो कोई वंडरफुल चीज दिखाइए ना। अब बुजुर्ग अंदर जाकर एक बिल्ली का पुतला लेकर आता है और कहता है, ये इजिप्ट की एक पुरानी बिल्ली है जिसका मम्मी बनाया गया है। क्रिस फिर चिढ़ जाता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग हो तो बताइए ना, वरना मैं चला। तभी वो आदमी दुकान का कोना कोना ढूंढकर एक पुराना बॉक्स ले आता है। जब क्रिस उसका दाम पूछता है तो बुजुर्ग कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि इसके अंदर जो चीज है उसका तुम जिंदगी भर अच्छे से ख्याल रखोगे। क्रिस भी उन्हें प्रॉमिस करके बॉक्स को घर ले आता है। उसके अंदर एक बड़ा अंडा होता है। फिर वो यूट्यूब पर एक वीडियो देखता है जिसमें बताते हैं कि अंडे को गर्मी में रखने की जरूरत होती है। फिर क्रिस उस अंडे पर कुछ कपड़े रखकर उसे गर्म करने की कोशिश करता है। फिर वो नीचे जाकर जल्दी जल्दी खाना मुंह में दबाकर कहता है कि मम्मी मुझे होमवर्क करना है, और तुरंत अपने कमरे में वो लौट आता है। अब वो एक बुक पढ़ने लगता है, तभी अंडा हिलने लगता है और क्रिस उसको उठाता है। इतने में अंडा टूटता है और डायनासोर का बच्चा बाहर निकलता है। अब क्रिस डर के मारे उसको गिरा देता है। छोटा डायनासोर तो क्रिस को देखकर डर के मारे चिल्लाता है और उसके बेड पर कूद जाता है। फिर वहाँ से टेबल पर और टेबल से कहीं और इस तरह वो कमरे का बुरा हाल कर देता है। फिर वो जाकर बेड के नीचे छिप जाता है। अब उसे बाहर लाने के लिए क्रिस अपना एक गमी बियर उसको खाने को देता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। डायनासोर बाहर आकर गमी बियर खाता है और क्रिस के साथ खेलने भी लगता है। फिर टेबल पर कूद कर क्रिस की नोटबुक चबाने लगता है। अरे अरे यार, ये मेरा होमवर्क है, इसे खाओगे तो बदहजमी हो जाएगी। ये कहकर वो डायनासोर के लिए खाना लेने जाता है। कुछ ही देर में वो एक एप्पल पाई लाकर डायनासोर को देता है, लेकिन इतने में डायनासोर जरा बड़ा हो गया है। और क्रिस हमेशा से ही साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन को अपना गुरु मानता था, इसलिए डायनासोर का नाम वो अल्बर्ट रख देता है। कुछ देर दोनों खेलने लगते हैं और फिर डायनासोर एक टेबल के नीचे छिप जाता है। क्रिस की माँ आकर पूछती है कि इतनी देर कमरे में क्या कर रहे हो, तो क्रिस दरवाजा थोड़ा सा खोलकर कहता है, मैं सोने जा रहा हूं, और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। उसकी माँ भी हैरान होती है कि ये लड़का कर क्या रहा है। फिर क्रिस अपने कपड़े जमीन पर डालकर अल्बर्ट के लिए एक बेड तैयार करता है। अल्बर्ट सिकुड़कर मजे से उसमें सो जाता है। अगले दिन दिखाते हैं तो क्रिस स्कूल के लिए तैयार होता है और अल्बर्ट को अपने बैग में रख लेता है, पर वो जिप खोलकर बाहर आ जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी फ्रेडी और अना वहाँ पर आते हैं। क्रिस अल्बर्ट को चुप कराकर अपने पीछे छुपा लेता है, लेकिन अल्बर्ट उसके पैर के बीच से बाहर झांकता है। दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये कहां से आया। अना बड़े प्यार से अल्बर्ट को सहलाती है और उनकी दोस्ती भी हो जाती है। क्रिस उनको फिर सब कुछ सच बताता है और कहता है, मैं इसे उस बुजुर्ग के पास लेके जा रहा हूं जिसने मुझको ये दिया था। उसके दोस्त कहते हैं कि स्कूल के लिए तो देरी हो रही है, शाम को चले जाना। पर क्रिस कहता है कि अरे यार, हमेशा की तरह तुम दोनों टीचर से कोई बहाना कर देना ना। फिर क्रिस उसी स्टोर में जाता है, लेकिन उसका नाम कुछ और ही लिखा होता है। क्रिस अंदर जाता है तो एक औरत रिसेप्शन पर होती है। वो कहते हैं कि कल मुझे उस फोटो वाले दादाजी ने एक बॉक्स दिया था, वो कहाँ है? तो वो औरत बताती है कि बेटा, ये तो मेरे पति हैं जो 5 साल पहले भगवान को प्यारे हो गए, जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। दरअसल वो बुजुर्ग और कोई नहीं, वही आदमी है जो मूवी की शुरुआत में फिशिंग कर रहा था। अब क्रिस कंफ्यूज होकर स्टोर से बाहर आता है तो बैग के अंदर से अल्बर्ट चिल्ला रहा होता है। क्रिस देखता है कि अल्बर्ट पहले से डबल साइज का हो गया है।
अब क्रिस उसे डायनासोर म्यूजियम में लेके जाता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है इस म्यूजियम का मेन इंचार्ज कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो कहती है कि इंचार्ज के आने में तो देर लग जाएगी, तब तक तुम म्यूजियम में घूम लो। क्रिस वैसा ही करता है, तभी रिचर्ड म्यूजियम में आता है। दरअसल म्यूजियम का इंचार्ज यहाँ आने वाले डायनासोर स्केलेटन के कुछ सैंपल्स रिचर्ड को भेज देता है। इस वक्त रिचर्ड एक नए प्रकार के डायनासोर का डीएनए लेने आया हुआ है। वहाँ क्रिस डिस्प्ले पर रखे हुए सैंपल्स देख रहा होता है कि अचानक अल्बर्ट बैग से बाहर आकर सैंपल्स के बीच कूद जाता है। क्रिस कहता है कि यार अल्बर्ट वापस आ जा वरना दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी वहाँ पर एक फैमिली आती है जिसमें एक छोटी लड़की अल्बर्ट को देख लेती है और अपनी माँ से कहती है कि देखो मम्मी जिंदा डायनासोर। क्रिस बेचारा उसको चुप कराने की कोशिश करता है। अल्बर्ट क्रिस को एक नजर फिर उस लड़की को एक नजर देखता रहता है और वहाँ से बाहर कूद जाता है और उस लड़की की ओर बढ़ता है। तभी एक अलार्म बजता है और अल्बर्ट 9:11 हो जाता है। अब क्रिस भी उसके पीछे भागता है। रिचर्ड सीसीटीवी पर अल्बर्ट को देख लेता है और पूछता है क्या आप लोगों ने कोई रोबोटिक डायनासोर खरीदा है, लेकिन सिक्योरिटी कहता है नहीं इस म्यूजियम में तो ऐसा कोई भी रोबोट नहीं है। इतने में अल्बर्ट म्यूजियम से बाहर आता है। क्रिस उसे चेस करता है और विनती करता है कि रुक जा मेरे बाप, मुझसे भागा नहीं जाता। तभी अल्बर्ट एक बड़े पत्थर पर चढ़कर वहां से नीचे छलांग लगाता है और ऐन वक्त पर क्रिस उसको अपने बैग में पकड़ लेता है और जिप बंद कर देता है। लेकिन मुसीबत अब आती है, रास्ते में रिचर्ड उसको रोकता है और बैग मांगता है, पर क्रिस उसको चकमा देकर भाग जाता है। कुछ देर बाद अल्बर्ट बैग के अंदर से चिल्लाने लगता है, शायद उसको भूख लगी है। अब क्रिस उसके लिए खाना लेने के लिए एक स्टोर में जाता है। वो कंफ्यूज होता है कि ये खाता क्या है, वेज या नॉन वेज। तभी अल्बर्ट हमेशा की तरह जिप खोलकर बाहर जाता है। एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है और अल्बर्ट भी कुत्ते पर घुर्राता है। इनकी जुगलबंदी कुछ देर तक चलती रहती है, लेकिन तभी कुत्ते की ओनर अल्बर्ट को देखकर चिल्लाती है। अब अल्बर्ट बैग से कूदकर भागने लगता है और कुत्ता उसको चेस करता है। बेचारा क्रिस इन दोनों को चेस कर रहा होता है और तीनों मिलकर पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर को प्लेग्राउंड बना देते हैं। वहां रखे हुए फलों को गिराकर अल्बर्ट बाहर आता है, जहां पर एक आदमी अपनी चीजों को लोड कर रहा होता है। अल्बर्ट भी सामान के साथ डिक्की में चला जाता है। अब जैसे क्रिस वहां पर आता है तो पूछता है अबे अल्बर्ट तू इसके अंदर कैसे गया, लेकिन इतने में कार जाने लगती है। वो आदमी घर जाकर कार की डिक्की खोलता है तो अल्बर्ट और भी बड़ा हो गया है। अब वो आदमी शौक होकर भाग जाता है। अल्बर्ट बड़े मजे से फल और सब्जियां खाने लगता है। इतने में वो आदमी गन लेकर आता है, लेकिन अल्बर्ट वहाँ नहीं होता, वो भाग जाता है। वो आदमी अल्बर्ट को चेस करके शूट करने लगता है और पुलिस को कॉल करता है। इतने में सारे पुलिस कार्स को देखकर क्रिस जान जाता है कि अल्बर्ट मुसीबत में है। पुलिस अल्बर्ट को पकड़ लेती है और एक ऑफिसर रिचर्ड को कॉल करता है जो रेप्टाइल्स पर रिसर्च कर रहा है। रिचर्ड कहता है कि वो रेप्टाइल मेरा है, आप उसका ख्याल रखिए, मैं जल्दी आकर उसको लेके जाऊंगा। फिर वे अल्बर्ट को अपने पुलिस कार में लेके जाते हैं। ये देखकर क्रिस पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि मैं अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए इस रेप्टाइल को देखना चाहता हूँ। वे क्रिस को एक बेंच पर बिठा देते हैं। अल्बर्ट को इस तरह केज में बंद देखकर क्रिस बहुत ही दुखी होता है। तभी उसके पास बैठा हुआ आदमी कहता है इसे केज में नहीं जंगल में होना चाहिए, वहीं पर ये सेफ रहेगा। ये आदमी और कोई नहीं, वही बुजुर्ग है जिसने क्रिस को डायनासोर का अंडा दिया था। क्रिस पूछता है क्या हम पहले भी मिले हैं कहीं। वो कहता है कि वो सब इतना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस दोस्त को आजाद करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये शहर उसके लिए ठीक नहीं है, हमें किसी तरह उसे जंगल में पहुंचाना है। तभी रिचर्ड वहां पर आता है। वो पुलिस ऑफिसर से हंस हंस कर बातें करता है और आखिर अल्बर्ट को एक वैन में वहां से लेके जाता है। तभी वो बुजुर्ग कहता है कि मायूस होने के बजाय मेरे साथ चलो, मैं जानता हूं कि वे अल्बर्ट को कहां पर ले गए होंगे। वो कहता है कि दूर जो जंगल दिख रहा है उसके अंदर एक रिसर्च लैब है, ये लोग तुम्हारे दोस्त को वहीं पर लेकर गए हैं। क्रिस कहता है कि मैं उतनी दूर कैसे जाऊंगा, मेरे स्केटबोर्ड पर वहां जाते जाते तो 2 दिन लग जाएंगे। तभी बुजुर्ग पास के घर के अंदर घुस जाता है। क्रिस चौंक जाता है कि ये किसके घर में घुस रहा है, सर क्या ये आपका घर है। लेकिन तभी पीछे के दरवाजे से वो बुजुर्ग एक 4-व्हीलर बगी में बड़ी शान से बाहर निकलता है। वो अंकल जी असली काम तो आप ही कर रहे हो, बाकी सब तो यूं ही है। खैर गाड़ी तो बढ़िया है सर जी आपकी, लेकिन क्या आपके पास इसका लाइसेंस है। इस पर वो आदमी कहता है कि बेटा इसे यहाँ चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, जंगल में कौन लाइसेंस मांगता है। फिर दोनों हेलमेट पहनकर बगी में अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में वो एक सिग्नल पर रुकते हैं। उनके पास एक कार खड़ी होती है जिसमें क्रिस के पापा होते हैं। वे पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ कैसे, लेकिन इतने में सिग्नल बदलता है और बगी आगे निकल जाती है। अब जंगल के अंदर एक खाली जगह पर कई टेंट्स लगे होते हैं। रिचर्ड की गाड़ी वहाँ आती है और रिचर्ड सबको कोई इमोशनल और इंस्पिरेशनल स्पीच देने लगता है। फिर दरवाजा खोलता है तो लाइव डायनासोर को देखकर बाकी साइंटिस्ट एकदम दंग रह जाते हैं। पर अल्बर्ट बहुत डरा हुआ है कि भैया ये डायनासोर तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। वहाँ बुजुर्ग कहता है कि इस गाड़ी में नाइट्रो बूस्टर भी है। ये कहकर वो नाइट्रो बूस्टर चालू करता है और बगी रॉकेट की तरह पीछे से आग छोड़ती हुई तेजी से भागती है। कुछ दूर पर नाइट्रो बूस्टर ऑफ हो जाता है और बुजुर्ग ब्रेक मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक काम नहीं करता। अब क्रिस डर जाता है, लेकिन बुजुर्ग कहता है कि बेटा मेरे पास हमेशा प्लान बी होता है। तुम्हारे पैर के पास एक एंकर पड़ा है, वो निकाल कर दो, उससे हम गाड़ी रोक सकते हैं। क्रिस वैसा ही करता है और वो आदमी एंकर को बाहर फेंकता है, लेकिन लगता है वो रस्सी का दूसरा एंड गाड़ी से बांधना भूल गया था। रस्सी भी बाहर गिर जाती है। अरे अंकल यही था क्या आपका प्लान बी। इस तरह चिल्लाते हुए दोनों इमली के पेड़ से टकराकर रुकते हैं। वैसे मुझे इमली पसंद है, इसलिए इमली का पेड़ कह दिया। अगर आपका
फेवरेट आम का पेड़ है तो वही सही। अब कहानी में दोनों पैदल चलकर एक पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं कि टेंट के आसपास कुछ गार्ड्स खड़े हैं। बुजुर्ग क्रिस से कहता है तुम यहीं रुको, मैं उन लोगों को डाइवर्ट करता हूँ, फिर तुम जाकर अपने दोस्त को छुड़ा लाओ। फिर वो जाकर एक आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाना चाहता हूँ। वो अपने रॉकेट से एक बॉल निकालकर नीचे फेंकता है और उससे घना धुआं उठता है। फिर वो पूछता है कि मैं गायब हो गया हूँ। गार्ड कहता है मुझे तो तुम अभी भी दिख रहे हो। फिर अचानक बुजुर्ग वहाँ से भागने लगता है और सारे गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। मौका पाकर क्रिस हर टेंट में अल्बर्ट को ढूंढता है और आखिर उसे अल्बर्ट मिल जाता है, लेकिन टेंट के अंदर एक साइंटिस्ट बैठा होता है। अब तो मर गए, ये सोचकर क्रिस आगे बढ़ता है तो वो आदमी सो रहा होता है। अब क्रिस उसे पार करके आगे जाता है तो अल्बर्ट को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। यार तू तो मुझसे भी बड़ा हो गया, लेकिन डर मत, मैं तुझे बचाने आया हूँ। इतने में दो गार्ड्स अंदर आकर उस पर गन तान देते हैं। तभी बुजुर्ग आकर दोनों के सर पर एक मेटल बॉक्स मारकर गिरा देता है और गार्ड से चाबी लेकर वो अल्बर्ट की जंजीर खोल देता है। जब दोनों बाहर आते हैं तो रिचर्ड और उसके साथी उसको घेर लेते हैं। तभी टेंट के अंदर पड़े हुए दोनों गार्ड्स बाहर भागते हैं और कहते हैं कि सब यहां से भाग जाओ, और तब बड़ा अल्बर्ट बाहर आकर घुर्राता है। रिचर्ड उसको सहलाकर कहता है कि ये सिर्फ देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव का है, पर अल्बर्ट उसके मुंह पर इस तरह चिल्लाता है कि सभी घबराकर भाग जाते हैं। फिर अल्बर्ट आगे बढ़ता है और क्रिस और बुजुर्ग उसके पीछे भागते हैं। कुछ ही देर में रिचर्ड और उसके आदमी भी इनको फॉलो करते हैं। बुजुर्ग उन्हें एक सीक्रेट रास्ते से लेके जाता है और जंगल के बीच एक जगह रुक के कहता है यहाँ हमें अलग होना पड़ेगा। क्रिस कहता है कि आप उस तरफ जाइए, मैं और अल्बर्ट इस तरफ जाएंगे, पर बुजुर्ग कहता है कि नहीं बेटा, हम दोनों शहर की ओर जाएंगे और ये डायनासोर जंगल के अंदर जाएगा, उसी में इसकी भलाई है। पर क्रिस अल्बर्ट से अलग नहीं होना चाहता और कहता है कि मैं उसे सेफ रखूंगा। बुजुर्ग फिर समझाता है कि अगर तुम्हें सच में उसकी फिक्र है तो उसे जंगल के अंदर जाने दो, क्योंकि शहर उसका नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है और इंसानों के बीच उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। अब क्रिस उसकी बात की सच्चाई समझ जाता है और भारी दिल के साथ अल्बर्ट को अलविदा कहता है। लगता है अल्बर्ट भी उसकी बात समझ गया है, वो भी जंगल की ओर चलने लगता है, लेकिन जाने से पहले एक बार मुड़कर क्रिस को देखता है। तब क्रिस कहता है तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो यार, ध्यान से रहना। फिर अल्बर्ट जंगल के अंदर चला जाता है। ये दोनों जंगल से बाहर आते हैं तो रिचर्ड उनको पकड़ लेता है और क्रिस से पूछता है कि मेरा डायनासोर कहाँ पर है। क्रिस चिल्लाता है कि वो वहीं है जहाँ उसको होना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो तुम कभी अपने घर नहीं जा पाओगे। तभी एक पुलिस कार को देखकर रिचर्ड और उसकी टीम भाग जाती है। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। दोनों कहते हैं कि हम शहर की ओर जा रहे हैं। फिर दोनों शहर पहुँचते हैं और उसी स्टोर के आगे बैठकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं कि आज का दिन बहुत एक्साइटिंग था। तभी फ्रेडी और अना आते हैं और क्रिस बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है आज मैंने और इस अंकल ने अल्बर्ट को विलन से बचाया है। लेकिन वहाँ पर बुजुर्ग नहीं होता। क्रिस ग्लास डोर से देखता है कि उस बुजुर्ग की परछाई दिखती है। वो क्रिस को हेलो कहकर अंदर जाने लगता है और गायब हो जाता है। तब जाकर क्रिस को सब कुछ समझ में आता है और वह खुश होकर वहाँ से लौटता है। जंगल के अंदर अल्बर्ट की घुराहट सुनाई देती है और तब बताया जाता है कि अल्बर्ट फिर आएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर इस मूवी का पार्ट 2 रिलीज होगा तो क्या आप उस वीडियो को चैनल पर देखना पसंद करोगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।